अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे रोजगार सहायक सचिव संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में चुनरी यात्रा निकाली। यात्रा में सैकड़ों रोजगार सहायक सचिव शामिल हुए। रोजगार सहायक सचिव संघ अपने नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर काफी समय से प्रदर्शन पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी मांगे मानने का कोई संकेत नहीं दिया गया है। इस वजह से संघ ने चुनरी यात्रा निकाली। यात्रा में सैकड़ों रोजगार सहायक सचिव शामिल हुए। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि हमने अपनी मांगों को लेकर 51 मीटर की चुनरी मां दुर्गा देवी के दरबार में समर्पित की है। हमें उम्मीद है कि मां अपने भक्तों को निराश नहीं करेगी। ग्राम रोजगार सहायक कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में समस्त जिले के ग्राम रोजगार सहायक हड़ताल पे हैं, और उस तारतम्य में हमने सिंगरौली में बरगवा में स्थित माँ दुर्गा देवी मंदिर जो है, बरगवा से हम लोग पैदल चल के दुर्गा देवी माता मंदिर में माता दुर्गा देवी जी के चरणों में अपने नियमितीकरण और वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर हमने माता के चरणों में अपनी मांग को समर्पण किया है कि हे माँ, हमारी मांग नियमितीकरण की मांग पूरा हो, वेतन वृद्धि हो जाए, 9,000 रुपये के अल्प मानदेय में शासन की विभिन्न योजनाओं का संचालन सबसे निचले स्तर से ग्राम रोजगार सहायक करता है, जिसका संघर्ष पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर जारी है, जिसको लेकर हम लोगों ने माँ भगवती के चरणों में चुनरी यात्रा समर्पण 51 मीटर की चुनरी उनके चरणों में अर्पण की है। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।